सब्सक्राइब करन्तु टेक्सांजु चैनल को एवं बेल आइकन को प्रेस करी ऑल को प्रेस कर नियंतु लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। समस्त बंधु मानको सादर प्रणाम जनाउछि मु संजय। चालन्तु आजिर अपडेट विषय रे आलोचना करिबा। हाय फ्रेंड्स, मु संजय आपनको टेक्सांजु चैनल को स्वागत जनाउछि। आजिर अपडेट नंबर रहिछि 83। एथिरे रहिछि किछि गुरुत्वपूर्ण अपडेट। सही अपडेट रही शिक्षा वर्ष आरंभरु रिविजन क्लास पिला पढ़े पुर्णा पाठ, तो यह एक गुरुत्वपूर्ण अपडेट। तो चलो देखा इस संबंध में कौन रही अधिक सूचना। देख रही आसंता शिक्षा वर्ष आरंभरु हेब रिविजन क्लास। आरंभरु दुई रु तीन मास प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र आदि रिविजन क्लास हेब। यही समय पुर्णा क्लास पाठ रिविजन कर छात्र छात्री दक्षता स्तर वृद्धिपाई स्कूल और गणशिक्षा विभाग यही निष्पत्ति। आरंभरु दुई रु तीन मास प्रथम रु अष्टम श्रेणी छात्र छात्री रिविजन क्लास करने को सरकार निष्पत्ति। समय पुराणा क्लास पाठ रिविजन कर सरकारी अनुदान प्राप्त घर स्कूल नियम लागू हेबो। पूर्वर कोरोना पर पाठपढ़ा व्याहत हो प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत समस्त छात्र छात्री को बिना परीक्षा पास बोली घोषणा कर। गुरुत्वपूर्ण अपडेट था प्रथम रु अष्टम श्रेणी पिलाई रिविजन क्लास करा जीवो शिक्षा वर्ष आरंभ। तो चलो जीवा नेक्स्ट अपडेट को। मैट्रिक सर्टिफिकेट रे आधार नंबर संजोग हेबो। नकली सर्टिफिकेट रोकिबा को योजना। भुवनेश्वर राज्य में नकली शिक्षकों प्रादुर्भाव एबे बढ़ी चली। नकली सर्टिफिकेट दे चाकरी करुथिया ठकों ऊपर रोक लगाइबा लागि गणशिक्षा विभाग योजना करिछि। एथिपाई मैट्रिक सर्टिफिकेट रे आधार नंबर संजोग करने को योजना होई छी। 2021-22 शिक्षा वर्ष रु एही नियम लागू करने को विभाग पक्षर चूड़ांत निष्पत्ति होई छी। तबे पूर्वर युक्त दुई परीक्षा रे प्रश्नपत्र पैकेट रे बारकोड रखा को गणशिक्षा विभाग पक्षर निष्पत्ति होइथिया बेले एथर मैट्रिक सर्टिफिकेट रे आधार नंबर सामिल करा जाई नकली शिक्षार्थी को रोकिबारे सक्षम हेबो। मिलिथिबा सूचना अनुजाई 2021 मैट्रिक परीक्षा फॉर्म पूरण समय रे पिलांकर आधार नंबर दाखल बाध्यतामूलक करा जायतिला। यह सहित फॉर्म फिलअप बेले बोर्ड कर्तृपक्ष को जिला शिक्षाधिकारी समस्त पिलांक आधार नंबर प्रदान लागि निर्देश दिया जायछि। देशर अनेक राज्य रे सर्टिफिकेट रे बारकोड किंबा क्यूआर कोड थिबा बेले ओडिसा रे ओडिया माध्यम पिलांक सर्टिफिकेट रे केवल रोल नंबर रहुची। फलरे एही सर्टिफिकेट को सहज रे नकल करा जाउची। जदि आधार नंबर सहित रहिबो तेबे नकली सर्टिफिकेट धारी सहज रे धरा पड़िबे। तो यह एक बड़ अपडेट रहिथिला गणशिक्षा विभाग पक्ष एक भल गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। तो चलन जीवा आमे नेक्स्ट अपडेट को। शिक्षा ऋण एनपीए 9.95% को वृद्धि। शिक्षा ऋण लगी सरकारी बैंक गुड़िक व्यापक क्षतिग्रस्त होती। शिक्षा ऋण में जी ऋण प्रदान कर 9.95% अर्थात मोट 8,587 कोटी टंका एनपीए होती अर्थात बुड़ी जाइए। संसदर बजेट अधिवेशन रे केंद्र सरकार ए संपर्क में सूचना प्रदान कर। सूचना अनुसार 2020 December 31 सुधा मोट शिक्षा ऋण में 3,66,260 एनपीए अकाउंट रही। मुख्यतः कोरोना संक्रमण जोगुं ये सब एनपीए सृष्टि होई। तथ्य अनुसार एनपीए मामलें शिक्षा ऋण शीर्षे रही। हाउसिंग सेक्टर आरंभ कर कंज्यूमर ड्यूरेबल और रिटेल लोन एनपीए 1.52% आरंभ कर 6.91% रही। मात्र शिक्षा ऋण पाखापाखि 10% रही। 2017-18 18-19 8.29% और 2019-20 7.61% रही। अर्थात गत 3 वर्ष मध्य 2021 शिक्षा ऋण एनपीए सर्वाधिक रही। तो यह एक बड़ अपडेट। तो चलो जीवा नेक्स्ट अपडेट को। बड़मार क्लस्टर सीआरसी तरफ गोटे लेटर आटर नंबर रही 1/8/2021। लेटरटी कर सौदामिनी प्रधान बड़मार पीएस सत्यरंजन प्रधान प्रशांत कुमार धल बबसपुर पीएस एवं महादेव बुड़ा मनोरंजन राउत पलसमाल पीएस। लेटर रे सब्जेक्ट रही स्वगज नोटिस। कारण दर्शा नोटिस गोटे रही क्लस्टर लेवल मीटिंग हेल्ड इन बड़मार पीएस ऑन डेटेड 6/3/2021 ऑफ बड़मार क्लस्टर यू आर नॉट अटेंडिंग इन दिस मीटिंग। व्हाई यू आर नॉट अटेंड इन दिस मीटिंग राइट सुइटेबल कॉज विद इन 3 डेज रिसीव द लेटर।
ତ 6/3/2021 ଦିନ ବଡ଼ମାଳ ପ୍ରେସ୍ରେ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଟିଚରମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାହାର କାରଣ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କପି ଟୁ ବିଓ ରାଇରଖୋଲ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେସେସରୀ ଆକ୍ସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍କୁ। ଅନ୍ତିମ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏହି ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା। କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ସମ୍ମାନ ସହ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା। ସେମାନଙ୍କର ଥଇଥାନ ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନା। ପଞ୍ଚମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମାସିକ 800 ଟଙ୍କା, ଦଶମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପଢ଼ୁଥିଲେ 1000, ସ୍ନାତକ ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 1500 ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ମାସକୁ 2000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ବାବଦକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ବେଶ ସହାୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।